स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 13.6। हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वी हैव, बस करो बेटा, इनफ टाइम यू गॉट टू टॉक, इनफ नाउ, बस। क्वेश्चन नंबर टू वी हैव डन, राइट? Now question number 3. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5, width height 4 and height 15. And a plastic cylinder with circular base of diameter 7 and height 10. Which container has greater capacity and by how? Now capacity is written. It means what we have to find. So this is your homework. It is very easy. You know what is the volume of a cuboid? Length into breadth into height. LBH tino given hai. You know what is the volume of the cylinder? Yes, volume of the cylinder formula. If I ask from one, then only that child is to answer. Okay? Pi r square h, 2 pi r h, curved surface area होता है आदित्य। So pi r square h में बेटा आपको diameter given है, r निकल जाएगा, h given है। Very easy, direct question. Fine. Next question number 4. If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and height is 5 centimeter, find the radius and volume. Now this is again very easy. What is given? Lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square. What is the lateral surface area of cylinder? Yes. 2 pi curve, so lateral means curve. You have to be, you should be confident when you write the formula. Ki haan ji yahi hai. Theek hai, formulas acche se learn karo. That is 2 pi r h. Now in this question it is given that we have to take the value of pi as 3.14 and height is given 5 centimeter. So 2 into 3.14 into r into 5. निकालिए यहां से रेडियस। हरी अप, डू द कैलकुलेशंस एंड फाइंड आउट विदाउट स्पीकिंग, विदाउट टॉकिंग। बोलना नहीं है रेजा। सेकंड लास्ट बॉय, आप उठो रेजा, आप पीछे जाओ विद योर बैग एंड फॉर फुल परमानेंट। आप और जशन इकट्ठे नहीं बैठोगे बच्चे, ठीक है? बातें होती हैं फिर पढ़ाई तो होती नहीं है। रेडियस आ गया कितना? 3। सबका आया है? निकालो निकालो। So 94.2 divided by 2 into 3.14 into 5, point हटाएंगे यहां 10। हाँ जी, after doing all the calculation the radius comes out to be 3। Is it 3 बेटा? So everyone is getting 3. Now we have to find the volume of cylinder is pi r square h. Whatever volume you will get, it will be in centimeter cube. Kitna? 1.3. Hurry up, note down.
गलत किया होगा, फिर लाओ दिखाओ। किससे कटिंग की है? ये 314 आया है जो, दोबारा करके देखो ना, आपने एक ही बार किया ना, दोबारा करो, क्योंकि इसको तो चेक नहीं कर सकते, दोबारा अपने लेवल पे कर सकती हूँ। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, रेडियस एंड देन वॉल्यूम। अब अगर हमें रेडियस गिवन हो और हाइट गिवन हो और हमने किसी सिलेंड्रिकल वेसल को अंदर से पेंट करना है और उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, देन जो एरिया है उसको हम पर मीटर स्क्वेयर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट विच इज यूज्ड टू फॉर द इनर कर्व सरफेस एरिया, राइट? इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू अस? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट गिवन है ना, क्या करना है इसको? पेंट, पेंट की टोटल कॉस्ट गिवन है 2200, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन है 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वहां से? क्या? इनर कर्व सरफेस जिसकी वो बात कर रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सो राइट डाउन, सीधा लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दैट इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कॉस्ट किसमें है? मीटर में। तो ये हमारे पास किस में आ गया? मीटर में। सो इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। इनर सिलेंडर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल आर रेडियस, पाई की वैल्यू पर्टिकुलर दी है? नहीं दी। 10 मीटर इज द हाइट। What is height? Radius is 7/4। पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। फिर आपने निकालना है थर्ड पार्ट में कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो भी आएगा आपके पास, दैट विल बी योर वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। नोट डाउन। रेडियस में
लेकिन ये डेसिमल में करने के चक्कर में ये लास्ट वाली कैलकुलेशन के चक्कर में कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर लास्ट वाली कैलकुलेशन नहीं की टाइम की कुछ भी तो उसका तो हाफ मार्क्स कट ऑफ से लगा ली मार्क्स फॉर द बिग देन एट द पार्ट आपने हमारे इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का जो निकालने कैलकुलेशन भी कर हमें टाइम से करके थोड़ी बहुत कटिंग करके फाइनल है छोड़ आप हां अभी ये क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? क्या दिया है हमें बेटा? Volume. ऐसा कितनी हो रही है? क्या हो गया? There is no other option. आराम से अच्छे से पढ़ना रही है बहुत आ रही मन नहीं कर रहा था बताना वॉल्यूम की बना बच्चे लीटर्स में हाइट की बने मीटर में तो वॉल्यूम को भी किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकल जाएगा नहीं वॉल्यूम हमें गिवन है हाइट गिवन है यहाँ से हमें क्या निकलेगा रेडियस रेडियस क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट सिलेंडर बनाने के लिए कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड है सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल क्लोज सिलेंडर सो वी वांट टू फाइंड हियर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ओके अरविंद अरविंद व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिक्स खड़ा जाओ ऊपर देख सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच राइट डाउन मैंने तो और मिक्स करना कोई पता है अब कुछ भी लिखा हो आप कुछ भी लिखो तो मैडम मैंने फोन का लिख दिया सिलेंडर का भी उससे हमने क्या किया वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेसल
नो लॉयल्टी टुवर्ड्स द टीचर. साहिब बोलता ना क्योंकि पढ़ना ऐसे लेना पड़ता है. सेवन से सेवन
Let me see the time. Okay. Any doubt?